सलीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ऑर्डर कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो आज हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं कि किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसमें जो ए पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, उसका है ऑर्डर 2/2। तो इसमें मैं कुछ आपको करवा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल डी मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है 4, 0 और 6 दिया हुआ है। अब इसका ऑर्डर कैसे फाइंड किया जा सकता है, जैसे मैं आपको बताया इसका फॉर्मूला है रोज बाय कॉलम। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर कैसे फाइंड किया जा सकता है, आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आई। तो इसका जो ऑर्डर है, रोज क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और कॉलम क्या होते हैं वर्टिकल लाइन। इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, यानी कि 3 रोज हैं हमारे पास। और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। तो ये हमारा हो गया 3/1 इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ई देख लेते हैं वो किस तरह करेंगे। ई में हमारे पास उन्होंने इस तरह नंबर्स तो नहीं दिए हुए, लेकिन उन्होंने हमें वेरिएबल्स हमें दिया है। ए दिया हुआ है हमें बी सी डी ई और एफ। अब ई मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास ए डी बी ई सी एफ है। अब हमें इसमें जो वैल्यूज है उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर लिखना है। इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे रोज बाय कॉलम फार्मूला, हमें पता है इसमें कितनी रोज है, 1, 2, 3 रोज है और 2 कॉलम है हमारे पास। हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर में क्या लिखते हैं, पहले रोज लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं 3 और फिर बाय फिर कॉलम, 2 कॉलम है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर आ गया 3/2। अगला हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो एफ है, उसमें 1/1 ऑर्डर है। मैंने आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझाते हुए बताया था कि अगर हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू हो तो उसका ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद जी मैट्रिक्स है, वो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, 3/3 उसका ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारे पास एफ एच है, एच सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये सिर्फ हमने 2 सॉल्व किए, तो कुछ कर लेते हैं 1-2 एच हम सॉल्व करते हैं। एच हमारे पास उन्होंने वैल्यू दी हुई है 2, 1, 3, 0, 4, 6 अभी उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दिया एच। अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। हम लोगों ने देखा कि पहले रोज लिखी जाती हैं, फिर बाय लिखा जाता है, फिर कॉलम लिखी जाता है। तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। हम पहले रोज लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे, ठीक है। 2 रोज और 3 कॉलम, तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया, 2/3। हमेशा याद रखना है पहले रोज आएंगी फिर कॉलम आएंगे, ऐसे नहीं कर देना कि पहले कॉलम लिख लिए तो फिर रोज लिख ली, तो वो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन और आपको 1 पॉइंट भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें बताया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इन उन्होंने हमें मैट्रिसेस दिए हुए, वो कह रहे हैं कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। क्वालिटी की मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, पहली ये कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी ये कि उनकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए, और तीसरी ये कि उनके साइंस बिल्कुल एक दूसरे से मैच करने चाहिए। अब इसमें हम देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स है बी और एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है हमारे पास और एक आई मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स की उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है 3 और 5, ठीक है, और आई मैट्रिक्स की हमें वैल्यू दी हुई है 3, 3+2। इसमें जितने भी मैट्रिक्स जैसे इस तरह है 3+2 ये सॉल्व नहीं है, जितने भी इसमें मैट्रिक्स है इस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं है। पहले आप उनको सॉल्व करें और फिर मैच करें कि किसका ऑर्डर मिलता है और किसकी वैल्यूज मिलती है और जिनके साइन एक दूसरे के सेम है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 3 और ये है 5। अब ये इसकी जैसे है बिल्कुल, इसका ऑर्डर भी बिल्कुल इसके सेम है, इसका ऑर्डर है 1/5
और इसका भी ऑर्डर है 1/2 और इसकी वैल्यूज भी सेम है 3/5 और ये भी 3/5 है और इनके साइंस भी बिल्कुल सेम है, सारे साइंस पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है, बी इक्वल टू आई, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। एक और एग्जाम्पल ले लेती है डी मैट्रिक्स की। अगर हम बाकी मैट्रिक्स देखें सॉल्व करके तो डी जो मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 5 और 3, अगर हम सारे मैट्रिक्स देखें तो ये वैल्यू किसी के साथ भी नहीं मिलती। ऑर्डर बेशक इनका मिलता है लेकिन इसकी वैल्यूज जो है बिल्कुल ई मैट्रिक्स में पहले 3 या फिर 5 है और डी मैट्रिक्स में पहले 5 या फिर 3 है, यानी कि इनकी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ये नहीं देखना कि इसमें 3 है इसमें 5 है, इसमें 5 है इसमें 3 है, यानी कि 3 और 5 दोनों में है तो ये इक्वल है, नहीं। आपने प्लेस भी देखनी है कि ये फर्स्ट कॉलम है इसमें फर्स्ट प्लेस पे 3 है, इसमें फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट प्लेस पे 5 है, तो ये इसका मतलब है इक्वल नहीं, तो ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। आगे जो मैट्रिसेस है, ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, सी मैट्रिक्स के इक्वल है, वो आप लोग देख सकते हैं अपनी जिन के ए मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स जो है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हम बुक से देख लेते हैं कि किस तरह इक्वल है। ये बुक है एक्सरसाइज 1.1, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अब ए मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यू 3 है और यहाँ पे 5-2 है सी की वैल्यू। जब हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 और वो बिल्कुल ए मैट्रिक्स के इक्वल होगा, उसका ऑर्डर उसका साइन और उसकी जो वैल्यू वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होगी। डी भी हम लोगों ने कर लिया, ए भी कर लिया, सी भी कर लिया और हम लोगों ने कौन से कर लिए बी और आई, ये हमारे हो गए। बाकी जो इसमें ई एफ जी एच हैं उनमें आप देखें कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है, वो आप लोगों का ऐसा होमवर्क है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोगों ने इसमें हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। एक पहला जो मैट्रिक्स है उसमें है ए प्लस सी सी माइनस 1, फिर ए प्लस 2 बी और उसके साथ है 4d-6, ये पहला मैट्रिक्स है और इक्वालिटी का साइन लगा के उन्होंने फोर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें है 0, 3, -7 और 2d। ये हमें उन्होंने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनमें हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जैसे ए सी बी डी जिनके हमारे पास वैल्यूज नहीं है और उन्होंने कहा कि ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। अब इसमें हम लोग किस तरह करेंगे, ये जो पहली फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू है उसको दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू है उसके साथ लिख देंगे इस तरह इक्वालिटी का साइन लगा दें, क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन है तो हम इक्वालिटी का साइन लगा देंगे इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में और उसको सॉल्व करेंगे ए इक्वल टू माइनस सी। अब हमारे पास ये टोटल सॉल्व नहीं है, हाफ सॉल्व है, यानी कि हमें इसमें पहले सी की वैल्यू फाइंड करेंगे बाद में हम इसको टोटली सॉल्व करेंगे। सी की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर है तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, सी माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आ गए क्योंकि ये इसके साथ है, यानी कि ये सेकंड प्लेस पे है तो ये भी सेकंड प्लेस पे है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सी इक्वल्स टू 3+1 आ जाएगा, माइनस 1 उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा और जब वो प्लस होगा 3 में तो वो आ जाएगा 4 आंसर, यानी कि हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है वो है 4। तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू डाल देंगे ए इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा और ये हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है ए इक्वल टू माइनस 4 और सी इक्वल टू 4। अब हम लोग इनकी वैल्यूज भी देख लेते हैं बी और डी की, आप पॉज करके वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ए प्लस 2b, इसमें ए भी है और बी भी है तो हम इसको लिख लेते हैं ए प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस 7। ये हमारे पास ये सेकंड कॉलम में सेकंड प्लेस पे था और ये भी फर्स्ट प्लेस पे था, ये भी सेकंड कॉलम में फर्स्ट प्लेस पे था, इन दोनों को हमने इक्वालिटी का साइन लगा के लिख दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जब ये प्लस 2b उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2b। अब हम लोगों ने इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो हम एक काम करते हैं कि ए को हम उधर ले जाते हैं और माइनस टू बी को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस टू भी हो जाएगा और ये माइनस सेवन माइनस ए की वैल्यू माइनस फोर है तो भी यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस सेवन प्लस फोर आ जाएगा और ये जो बी इधर आ जाएगा और टू इसके माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सेवन में से फोर निकालेंगे हमारे पास थ्री आ जाएंगे और इसके साथ हमारे पास माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ माइनस है, माइनस थ्री ओवर टू ये हमारे बी की वैल्यू आ गई। अगला जो हमारे पास पार्ट लास्ट पार्ट है वो है फोर डी माइनस सिक्स इक्वल्स टू टू डी। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि सेकंड कॉलम में जो सेकंड प्लेस पे थी और ये भी सेकंड कॉलम में सेकंड प्लेस पे थी तो इन दोनों को हमने इक्वालिटी का साइन लगा के साथ लिख दिया है ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। अब हम देख सकते हैं कि ये भी डी है ये भी डी है तो हम इसको इस सेट ले आएंगे फोर डी माइनस टू डी और ये जो माइनस सिक्स था वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा टू डी इक्वल टू सिक्स, फोर था उसमें से टू निकाला तो टू बच गया और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस थी तो उसके साथ भी प्लस लगा, डी इक्वल टू सिक्स ओवर टू डिवाइड हो गया उधर जाके मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो गया, टू को थ्री के साथ कट किया तो हमारे पास आ गया थ्री, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। ए इक्वल टू माइनस फोर, सी इक्वल टू फोर, बी इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू एंड डी इक्वल टू थ्री, ये हमारी वैल्यूज आ गई है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री और साथ में एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा, अगर तो आप लोगों को इस बारे में कोई भी क्वेश्चन या कोई पार्ट सॉल्व नहीं हो रहा आपसे तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको हमारी टीचिंग कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।